मैं राज कपूर किसान बी किसान स्मार्ट फार्मिंग से अभी कुछ झारखंड और यूपी से हमारे गेस्ट आए हुए हैं और बाम्बू विजिट के लिए उनके साथ हम लोग अभी विजिट पे हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं क्या क्या वो जानना चाहते हैं, किस पर्पज से विजिट पे आए। सर जी, अपना नाम एड्रेस। मेरा नाम राम प्रकाश डांगी और मैं झारखंड से आया हूँ। मेरी कंपनी का नाम है आरपीजी ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैनेजिंग डायरेक्टर। और आज ये यहाँ पे बम्बू का प्लॉट देखने के लिए मैं बड़वानी आया हूँ। और ये देख के मुझे तो लग रहा है कि ये कम खर्च पे फ्यूचर की एक अच्छी आमदनी का ये जरिया बन सकता है। आपका यहाँ आने का पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हम अपने क्षेत्र में ले जा करके इसको ये मॉडल को वहाँ मैं लोगों को दूँ, जो खाली वेस्टेज लाइन पड़ी हुई जो बंजर पड़ी उस जमीन को भरा जाए, जिससे कि हमारा पर्यावरण, हमारा वहाँ का वातावरण और लोगों की आमदनी का अच्छा जरिया बन सके। अभी हमारे साथ आप दो दिनों से हैं जी, तो आपने रेवा को समझा, बिल्कुल जाना, बिल्कुल। तो आपको क्या लगा? मुझे तो बहुत अच्छी, मैं जितना कल्पना कर रहा था उससे कहीं बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिला यहाँ। तो रेवा सही सिस्टम में बिल्कुल काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों के लिए जनहित का है, पर्यावरण के लिए और मानव के लिए, पशु पक्षी ये सारे के लिए रेवा एक ये अच्छी पहल है, कल्याण की बात है और आर्थिक आज़ादी की भी बात है। ये बी किसान में भी आप गए थे जी, वहाँ क्या लगा आपको देख करके? बलराम भाई जो काम कर रहे हैं, बलराम भाई जो वर्क कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इंडिया का ये फर्स्ट मॉडल है जो इन्होंने लॉन्च किया है। इस तरीके से ये जो यूट्यूब पाठशाला उन्होंने बनाया बी किसान का, इससे लोगों को हम आसानी से दूर तक जो बैठे हैं, इवन कि जो विदेश में बैठे हैं, हम उनको भी अपनी संदेश हम इस माध्यम से पहुंचाने में सफल रहे। और जब तक लोग नहीं जानेंगे तब तक उसके बारे में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इन्होंने लोग तक अपनी बात पहुंचाने का, अपनी संदेश भेजने का एक अच्छा पहल है और एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। बी किसान के साथ मिल करके झारखंड में कुछ नया करने वाले हो आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मैं इसको क्या, मैं अभी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी भी एक ड्रीम है कि बी किसान के साथ मिल के मैं आफ्टर 5 ईयर्स में पूरी झारखंड की धरती को मैं पाट दूंगा। बहुत बढ़िया सर जी, आपका नाम एड्रेस? मैं यूपी से हूँ, देवेंद्र सिंह परमार, आगरा से जी। और मैंने जब ये इनके वीडियोस देखे उससे प्रभावित होकर के मैं इतनी दूर आया, मैंने चलो भाई टूर करता हूँ। तो वास्तव में मैंने आज देखा कि इनके जो लैब में काम होता है उसकी कोई कॉस्ट लेते हैं तो मैं कहता हूँ ना के बराबर ले रहे हैं। जितना वर्क हो रहा है उस हिसाब से मैंने देखा है और जिस हिसाब से उसमें सावधानियाँ बरती जा रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ, जो रिसर्च सेंटर होते हैं उस टाइप से। तो इनका काम बहुत अच्छा मैंने लगा। अभी लैब का ही मैंने निरीक्षण किया था, अब मैं फील्ड में निकला हूँ अभी, और फील्ड में मैंने अभी 2-3 वैरायटियों का निरीक्षण किया है। वैसे मेरे हिसाब से तो अपने का आदमी के जो काम का हिसाब है उस हिसाब से उसको वैरायटी चूज करनी चाहिए। और ये निश्चित है कि कुछ काम भी करना चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ हमने लगा दिया छोड़ दिया। वैसे ज़्यादातर तो ये कि आदमी को ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी ज़मीनें हर साल पैदा होगी, आपको कोई काम नहीं करना है। लेकिन आपका 360 दिन उसने खाली कर दिया तो फ़ायदा क्या हुआ? वो 360 दिन आपका खाली, उनसे भी लाभ लीजिए। इसके पत्ते तक काम आते हैं, इसकी लकड़ी काम आती है और इसके तो छोटी से छोटी चीज़ लगा लीजिए, बहुत छोटी जितने की आप गुंजाइश समझते हैं उतनी चीज़ लगा लीजिए, आगे बढ़ा दीजिए उसको। बड़े काम वाले बड़ा काम करते रहेंगे, छोटा काम करके आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से किसान अगर चाहे थोड़ी सी मेहनत भी कर ले और थोड़ा सा पैसा लगा ले, पैसा भी ज़्यादा नहीं लग रहा है। दूसरा है कि इसमें गवर्नमेंट भी सहायता दे ही रही है, वो तो पता ही है। और अब मैं थोड़ा सा बलराम जी के विषय में आना चाहता हूँ कि बलराम जी तो एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके लिए मैंने उन्हें आते ही आते इसी बात के लिए धन्यवाद दिया था कि आपकी जो टीचिंग कैपेसिटी और आपकी जो एक्सटेंशन कैपेसिटी है
वो इतनी अच्छी है कि मुझे इतनी दूर खींच के लाई है। आप अभी मेरे यहाँ पूरे क्षेत्र में कहीं मैंने बांस देखा नहीं है कि लग रहा हो, लोगों को विश्वास नहीं कि बांस हमारे यहाँ हो भी जाएगा। बलराम जी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए है। नहीं, सहयोग हम लोगों का चाहिए बस, लेकिन एक बात जरूर है कि जो जो भी आदमी अपने में माहिर होता है वो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। बिना उसके झंडा एक लेके चलता है, झंडा एक आदमी लेके चलता है, हर आदमी पकड़ के नहीं चल सकता उसको, उसके पीछे तो चल सकती है भीड़ बहुत सारी, लेकिन झंडा पकड़ने वाला तो एक चाहिए, वही सपोर्ट और उसे झंडा पकड़ने वाले के अंदर जो चीज चाहिए वो बलराम में है। मेरा मतलब कहने से ये है, बलराम में वो चीज है जो झंडा पकड़ के बलराम जी के साथ मैंने यहाँ भी आके थोड़ी सी बात मेरी हुई थी तो पता चला कि हैं तो चार पांच लोगों का ग्रुप है, लेकिन चार पांच लोग ग्रुप जरूर है और वो सब तरह से हेल्प कर रहा है, लेकिन उसके बाद ही जो बलराम चीज है वो बाकी लोग नहीं। बलराम के अंदर जो चीज है, जो लगन है, वो चीज नहीं है। अब उनको तो ये पता नहीं कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे भी हैं कि नहीं, कल मुझे बता रहे थे कि लीजिए साहब मैं इतने दिन से बाहर हूँ, बच्चे कहने मिलते ही नहीं, आज मैं जा रहा हूँ उनके पास। चलो भाई ठीक है, आज आप चले जाओ, मैं यहाँ होटल में रह लेता हूँ। तो मैं कल यहाँ रुका था और आज फिर टूर पर निकला हूँ। वैसे अभी मैं बालकुआ देखने जा रहा हूँ, मेरी इच्छा जो अपनी स्वयं की, जिसके लिए मैं आया हूँ, मेरा उद्देश्य बालकुआ से है, क्योंकि बालकुआ में जो गूदा ज़्यादा मिलता है तो उसमें बायबैक का भी सिस्टम अच्छा है और बालकुआ हर चीज़ बन सकती है बनाने को, तो थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत होती है, ये तो निश्चित है कि किसी चीज़ के लिए हर चीज़ एक निश्चित होती है, लेकिन उसके बाद भी बालकुआ एक ऐसी चीज़ है कि उसमें हर चीज़ को आप बना सकते हैं थोड़ा सा परिवर्तन करके। तो ये देखना है, ये सब देखता हूँ। वैसे मैंने ये कहा चाहा था कि कोई ये प्रोडक्शन की मुझे लाइन और दिखा दें, तो वो मुझे यहाँ देखने को नहीं मिली है, लेकिन इसके बारे में इनका वीडियो मैंने एक देखा था जो आपके जबलपुर के भाटिया जी हैं, जबलपुर के भाटिया जी, वहाँ इन्होंने वीडियो बनाया था, वो मैंने देखा, तो उसमें मैंने जरूर समझा कि भाटिया जी ने कहा कि भाई मलाई तो वो खाएगा जो उबालेगा दूध को। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि किसान लगाए भी और दूध को उबाले भी और मलाई भी खाए जी। और अभी तो क्या है, अभी तो शुरुआत हुई है इसकी, 3 साल से ही तो शुरुआत हुई है, 3 साल से फ्री हुआ है मतलब किसान के लिए, अभी तो इसके आगे, अभी तो इसकी पहली कटिंग नहीं आई एक तरह से देखी जाए तो। जी जी। अभी तो इसकी पहली कटिंग नहीं आई, तो अभी ये जो लोग लग रहे हैं और अगर इन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया लोगों ने, तो ये तो आपके घर से ले आएंगे, जितनी दूर आप बना रहे हैं वहाँ से ले आएंगे, एरिया जहाँ ज़्यादा होगा फैक्ट्री डाल लेंगे, कुछ काम आप भी कर सकते हैं अपने आप। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि भाई इससे जो है चारकोल बन सकता है, चारकोल की बड़ी डिमांड है, और चारकोल ऐसी आसान चीज़ है कि मतलब उसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, खर्च भी नहीं है, एक भट्टी बनानी है आपको बस, और जितने आप भट्टे वाले लोग हैं सारे के सारे चारकोल के लिए परेशान है, कोयला खोदना बंद हो गया। मैं समझता हूँ कि यूपी में कुछ न कुछ जो है नया धमाल करोगे आप बी किसान के साथ मिलके। नहीं, मैं अभी चाहता हूँ, लेकिन अभी बी किसान उसकी तरफ जा नहीं रहा है, क्योंकि अभी वहाँ उनको क्षेत्र नहीं, तो मैंने आज ही बात कही उनसे मैंने कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप रजिस्टर्ड करिए नाम, एक मेरा नाम रजिस्टर्ड करिए, इस तरह के आपके पास नाम रजिस्टर और भी होंगे, और एक जो है करीब करीब 40 एकड़ का किसान और है जिन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा खेत भी ऐसा है, इसमें बात करके आइएगा, मैं उनसे बात कराऊंगा और उनको रजिस्टर कराऊंगा। तो इस तरह से पहले रजिस्ट्रेशन होकर जब कोई एरिया बन जाएगा थोड़ा सा, तब फिर उसमें देखा जाएगा कि इतने लोग तैयार होगा, तो तब हम ये गाड़ी का काम तो कम से कम शुरुआत करें। तो इसलिए अभी हमने यही प्लान किया है अभी हमारा, कि अभी हम जो और 2-4 लोगों को बात करके और फिर इतने लोग तैयार हो जाएं कि एक बार इनका टूर करा दें हम और उन लोगों से बात करा दें, और एक ये हो जाएगा हाँ साहब इतने लोग तो लगाने को तैयार हैं, तो कम से कम कुछ एरिया तो जहाँ जाने आने का खर्चा निकले, जहाँ भाई अगर 4 पौधों के लिए कौन जाएगा इतनी दूर, देखभाल करने को भी कौन जाएगा, अगर ज़्यादा क्षेत्र होगा तो ये वहाँ जा करके टूर भी कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम उसे सॉल्व भी कर सकते हैं, और साथ साथ केला का तो फिर इनका पहुंच गया है, केले का काम तो इनका हमारे यूपी में पहुंच गया है, वो तो मेरे दामाद ने भी लगाया एक एकड़ जी जी। एक एकड़ केला लगाया, और एक्चुअली उन्होंने ही मुझे बलराम का वीडियो दिया था जी जी। मैं उनका केला देखने गया जी। तो तब उन्होंने बताया कि बलराम जी को देखिए आपको मालूम पड़ेगा केला क्या है, तब मैंने बलराम के केला में देखना शुरू किया, तो बलराम का केला देखते देखते पपीता देख लिया, पपीता देख देखते और बांस भी देखा मैंने बलराम का, तो तब मुझे लगा कि बलराम बांस की बात जो कर रहे हैं ऐसा है कि वो मेरे काम का है। काम क्या है, मैं नौकरी करता हूँ, नौकरी कर रिटायर हो गया, शहर में रहता हूँ, मेरा खेत पड़ा हुआ है, तो अब उसमें पड़ा हुआ है तो मैंने चलो ऐसी चीज़ लगा देते हैं जिससे आप कटिंग होती रहेगी, काम होता रहेगा, तो यही आज मैं विजिट कर लाऊंगा आपका। चलिए आइए देखते हैं। गणेश भाई क्या दिखा रहे हैं? ये पौधे का भोजन मैं इनको दिखा रहा हूँ कि पौधे ने खुद इसका भोजन बना लिया है। ये जैसे यहाँ पे जो पानी चल रहा है ना, इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये नेचुरल तरीके से यहाँ पे उसकी भोजन प्रणाली चल रही है, पूरी फर्टिलाइजेशन तैयार है। अब हम यहाँ ऐसे ड्रिप इरीगेशन नहीं है,
ड्रिप इरीगेशन नहीं है तो उस समय जो हम फ्लड इरीगेशन है हमारी मान लीजिए तो उसमें हम क्या करें, क्या इसके आसपास ही पानी दें, पूरे खेत में पानी दें, किस तरह का सिस्टम रखना चाहिए? पूरे खेत में भी पानी दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, खाली इसके बाजू से जो है ये जगह है इसके बाजू से बीच से आपको पानी दे देना है। नहीं तो पूरे एरिया में दे देना है, नाली बनानी है पूरे एरिया में, क्योंकि इसकी जड़ें जो है थोड़े दूर फैली हुई है, मतलब इसे पूरे खेत में पानी फ्लड दे दीजिए, क्योंकि आपके तरफ पानी की कोई उतनी ये नहीं है, कमी नहीं है। नहीं नहीं कोई नहीं, हमारे कमी और जितना आप पानी दोगे ये जो पूरा कचरा पड़ा हुआ है ये बायोमास बहुत जल्दी सड़ जाएगा, सड़ जाएगा बहुत जल्दी। दूसरी बात, जिसके पास पानी कम है फिर भी वो फ्लड करना चाहता है तो इसके बाजू से ये दे सकता है, समझो ये यहाँ पे पौधा लगा है, यहाँ से पानी लगाना है वो वहाँ से, क्योंकि 12 फीट का ये डिस्टेंस रहेगा और पौधे से पौधे की दूरी रहेगी 4 फीट, तो इसके बाजू से ही नाली रहेगी तो उसमें से आपको पानी देना। छोटे होंगे तब पौधे तो डायरेक्ट नाली में ही लगाने हैं आपको, अगर ड्रिप आपको फ्लड से करना है तो जो नाली बनाओगे आप उसमें ही लगा देना है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद क्या होगा यहाँ पे नाली नहीं रहेगी 3 साल के बाद, जैसे ये नाली में लगा दिया है आपने तो नाली नहीं रहेगी यहाँ पे, है ना, तो हो सकता है उस नाली से पानी आगे तक ना पहुँचे, तो उसके बाजू से जो जगह रहेगी वो नाली के बाजू से वहाँ से आप ये पानी दे सकते हैं दोनों तरफ से, इस साइड से भी और उस साइड से भी, यहाँ पे दिया दूसरा पानी यहाँ से देना पड़ेगा, तीसरा पानी यहाँ से देना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के इसके दोनों तरफ हमको दोनों तरफ नालियां यहाँ पे अपने पौधे रहेंगे तो ये कैनोपी बढ़ जाएगी, अगर आपने देखा होगा तो ये ऊपर से ऐसे सट रहे तो सीधे से अगर भिरे रहे तो नंबर ऑफ क्वांटिटी भी हमें मिलेगी और वो सीधा जाएगी, इसका मतलब क्या फुट पर लगाना चाहिए, सीधा सीधा जाएगा, क्या फुट पर लगाना चाहिए इसका मतलब 12x4 पे लगाना चाहिए, हम लोगों ने जो निकाला है भी 15x12 पे लगाया हुआ है, ये 15 है, ये 15 है, ये 12 है, तो 12x4 निश्चित स्वरूप से लगाना चाहिए, क्योंकि बालकुआ जो है 4 साल के बाद कटिंग पे आ जाता है। अरे एक मिनट और, यहाँ जैसे ये बायोमास पड़ा है बहुत सारा, अब मान लीजिए हम कैंचुए की खाद बनाना चाहते हैं तो क्या इस बायोमास को इकट्ठा करके हम कैंचुए खाद बना सकते हैं गोबर के साथ? गोबर के साथ बना सकते हैं। और इसकी कितनी मोटी लकड़ी तक हम ले सकते हैं? जैसे ये हमारा ये हमारी लकड़ी बेकार निकलेगी, ये लकड़ी हमारी बेकार निकलेगी है ना, इसको हम ले लें तो इसको हम अगर पाउडर बना के करें या कुटी की तरह कूटें, ये सड़ जाती है ऑटोमेटिकली, जैसे 5-6 महीने में इसको वहाँ के जो बैक्टीरियल है जो आप केचुआ खाद जो बोल रहे हो इसको इसका विघटन कर देंगे ये तो सड़ जाएगा, ये बायोमास में परावर्तित हो जाएगा। मतलब हम ये वो भी साथ में करना चाहें कि मतलब हम जैविक खाद बना रहे हैं तो जैविक खाद फायदे की चीज़ भी है तो 100% इसके पूरे बायोमास से और गोबर की खाद से और पेशाब से पूरा सड़ जाएगा, ये पूरा मिला करके और वो जो बायोमास बन जाएगा। चलो ये बालू आपका नहीं ये बालू का ग्रीन वर्ड, अच्छा ग्रीन वर्ड भी है ये, ये एलो दिख रही है, लंबाई किसकी अच्छी है, लंबाई किसकी अच्छी है, हर बालू अपने आप में अच्छा ही है लेकिन इसलिए होल और पोल के बात करें तो होल और पोल ज़्यादा है अपने बालकुआ में, यही आता है इतना, यहाँ इतना ही आएगा और बाजू बाजू में पल पर गुदा जाता है। बालकुआ मैंने पीस वहाँ देखा था ये एक ऑफिस में आपके में क्या ग्रीन, हाँ ग्रीन वन करीब है, आइए ये बीच वाले ये जो देख रहे हैं ना अपने ये पहले लगाए हुए, इससे ये ही लगाए हुए, ये लगाए हुए, अच्छा तो लगाया हुआ तो मिलता ही नहीं है, आ जाओ इधर, लगाया हुआ तो मिलता ही नहीं है, इसमें बेटे मिलते हैं उसके बेटे नाती पोती मिलते हैं, हाँ नाती पोती वही आएंगे। अच्छा अब एक बात और, जैसे मानी इसमें से सूट निकले तो ये सूट कैसे कहाँ निकले? इसके बाजू से देखो वहाँ पे सूट निकले हुए थे, अभी 20 साल का मैं सूट बता रहा हूँ, नहीं जो निकल रहा हो मैं वो देखना चाह रहा था, डायरेक्शन क्या है साल में जो निकले हुए
जिसको ये पत्ते लगे हुए हैं ना, ये अभी के सूट हैं। क्या मतलब जितने सूट निकलते हैं वो सारे के सारे सूट मतलब हमें रखने हैं या कुछ सूट हटाने होते हैं? नहीं, नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ जब ज्यादा घने हो गए। अपनी कटिंग भी चालू हो जाएगी 34 साल के बाद, जितने सूट आएंगे उतने हमारे लिए अच्छे हैं, किसी को हटाना नहीं। अंदर से काट भी दिया हमने, ये काटना ही पड़ेंगे। ये जो है इसमें अभी आप देखोगे तो ये पकिया है, ये वाला, ये वाले, ये निकालने ही चाहिए, इसकी सफाई करनी चाहिए कुछ दिनों के बाद में। हाँ। ये सफाई होनी चाहिए, ये वाले हो गए, मतलब उस समय नहीं निकाले, जिस समय निकाले जो कुछ काम के बन जाए थोड़े। हाँ, से ये वाले जो अभी इसको अगर निकालो तो है, मेरा जो भी है उसके लिए ये भी निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएंगे। और अगर हम इनकी ये जो ब्रांच है इनको छटाई कर दें तो क्या लाभ होगा? मैं लाभ होगा ना, क्यों नहीं होगा? अगर ये ब्रांचेस की छटाई करते समय टाइम पे, हाँ, तो वो सफाई तो होगी, तो उससे एक तो रास्ता हम काम करने में काम आएगा और दूसरा काम साफ सफाई भी रहेगी, और आने वाले नए सूट जो है वो इस क्वालिटी के ही आएंगे आपके। इसमें ब्रांचेस वगैरह आप देखोगे तो इसमें ज्यादा ब्रांचेस आपको लग रही है, लेकिन नए में उतनी नहीं। अच्छा, बालकुआ में ऊपर जाके इसका गैप, लोडिंग गैप ज्यादा है? नहीं, ये बालकुआ नहीं है, ये बालकुआ है। अच्छा, ये बालकुआ है, लेकिन नीचे वाले में लोडिंग गैप जो है बालकुआ है। ऊपर जाके ऊपर जाएगा भी, अब नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा कब नहीं जाएगा? जो बढ़ना था बढ़ लंबाई हो गई, अभी इसके बाजू वाला जो इसकी लंबाई आपकी हो गई और हाइट जाएगा, ये इसकी हाइट करीबन होगी 30 फुट के लगभग। ये देखो, ये मैं हिला रहा हूँ, इसने सबके ऊपर चोंच लेके लगे, ऊपर 30 फुट से ज्यादा सब। हाँ, 30 फुट से ज्यादा, ये 40 से 45 फीट जाता है 5वें साल के बाद। अभी 3.5 साल हो गए इसको, 2, 3, 4, 5, 6 फुट हो गया सर। ये वाला भी नहीं, लेकिन अब ये जैसे इस साल का सूट है तो कटना कब है इसको? अभी ये 2 साल के बाद कटेगा, ये 2 साल के बाद कटेगा, 2 साल में मोटाई बढ़ेगी इसकी, लंबाई नहीं बढ़ेगी। ये पकिया होगा, अभी एक बार में बाम्बू जब निकलता है, जब सूट निकलता है तो 90 दिन में अपनी हाइट लेता है और मोटाई भी लेता है, एक ही साथ में दोनों काम करता है, दोनों काम करता है। खाली पकिया, इसका पल्प, गूदा, वेट, ये सब सारी चीजें रहेगी इसको मैच्योरिटी के लिए, तो उसके लिए 1.5 से 2 साल का समय रहेगा। अच्छा, हाँ, अभी भी आप अगर बोलो कि ये मैं काट डालो तो फिर वो जो वेट वगैरह चाहिए आपको वो नहीं मिलेगा, मतलब वजन कम होगा अभी इसमें। हाँ, इसमें वजन कम होगा, इसमें रसा वगैरह वो भरना बाकी है ना, क्योंकि अनमैच्योर अंदर वाला गोल है जो वो। हाँ, अभी इसमें वो छोटा हो जाएगा, गुदा होगा भी लेकिन पका नहीं है, रसा नहीं है, पूरी साइकिल नहीं पूरी की है ना, समझ गए? बराबर, यानी वो सॉलिड नहीं हुआ। 13 साल के बच्चे की हाइट 6 फीट है और 18 साल के बच्चे की भी हाइट 6 फीट है, लेकिन ये क्या, ये आदमी तो 18 साल वाला ही मैच्योर रहेगा ना। हाँ। 13 साल वाला तो बच्चा ही रहेगा, भला ही वो खाते पीते उसके अंदर जो पानी वो सूखना है तभी उसका नहीं है, उसमें भी काम उसका चल रहा है, अभी एक रेसिपी बनती है उसकी, है ना, लाइफ उसकी उतनी हो रहती है। चलिए आइए, वीडियो बना रहा हूँ, किसान कुछ हैं, थोड़ी देर बाद बात करें, 1 घंटे बाद किसान चली गई थी। अच्छा, एक चीज और भी थोड़ा सा, कुछ लोगों का कहना यह था कि खाए वाली फसल जो है ये जो बहुत कमाती है, उसमें अदरक है, जिंजर, जिंजर टाइप कुछ लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, हो सकता है, लगा सकते हैं, जिंजर है, हल्दी है, तो उसके लिए तो ये साफ करना पड़ेगा। इसमें ये क्या है, इसको हटा देना है इधर बाजू में, इसका जो दायरा है 5-6 फीट का ले लेना है, और बीच वाली जो जगह रहेगी उसमें आप ये कल्टीवेटर करके इसमें जिंजर वगैरह ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जमीन तो हमारी उस समय काम आएगी जब कटाई होती है। हाँ, बस तो आप इसमें कटाई के समय के लिए काम आती है जगह। देखना पतंगा में भी करें। हाँ, पतंगा के मारे तो आदमी दूर ही जाता है भैया। बांबू सा, बांबू सही है, कटंगा। हाँ, अच्छा, ये आपकी ड्रिप का है? ड्रिप चालू है ना, अभी इसमें पानी चालू है, लेकिन वो पत्तियों में पूरा। हाँ, वो नीचे जाने से मतलब पत्तियां भीगी तो ठीक है, नहीं पानी तो नीचे जाने। ये देखो, ये पत्तियों के ऊपर जब पानी आप दे रहे हैं ना, तो इसमें से निकलने वाला रसा है वो, ये इसका ह्यूमस बना रहा है। सर, वो तो पत्तियां सड़ जाएंगे।
इस समय में अगर इसके ऊपर बीच में अगर एक स्प्रिंकलर लगा दे 2 फीट वाला तो सबसे बेस्ट है ये पत्तियां झड़ाने के लिए। और इसमें बाकी जो आप चीजें बोल रहे हो तो ये हटाने की भी जरूरत नहीं, हल्दी अदरक उसमें ही आ जाएगा क्योंकि बायोमास से सड़ी जाएगा, मट्टी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा हटाना, जितने में लगाना कुछ हटाना ही वो तो चलता ही जमीन में ही लगा दो, वो तो चलता ही जमीन में है। तो ये तो एकदम बढ़िया रहेगा, बीच से स्प्रिंकलर डाल देगा, बीच से वो घूम के पूरा पानी दे लेगा। यहाँ में क्या अंतर है, खाली यहाँ पे ड्रिप थोड़ा सा फटा हुआ है तो चारों तरफ में ये पत्तों को। और सबसे जानते हैं मजेदार बात क्या है, सबसे मजेदार बात है कि हम अब विदाउट सीजन में हम अदरक ले सकते हैं और ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक लेंगे कोई नहीं है। दूसरा उसमें क्या होगा कि जिस समय मार्केट में हाई रेट होती है उस समय हम अदरक यहाँ से बम्बू के बीच से निकाल के मार्केट को दे सकते हैं। इसमें 2-3 चीजें मैंने एक देखी है कि इसमें क्योंकि ये तो गर्मी भी बहुत अच्छा, गर्मी में भी छांव रहेगी। अच्छा, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ खड़ा? ये तो मुझे लग रहा है कि ऑक्सीजन पार गए तो और क्या बाहर से आए, ऑफिस वाली ऑफिस का जो एसी का जितना है टेम्परेचर उतना यहाँ पे किनारे भी हमारे बनाएंगे लाठी वाला है क्या ये? नहीं, ये बड़ा जाता है, ये मोटा ही लेता है इसके जैसा। अच्छा, तो ये कितना पुराना है? ये भी वही है, ये पूरी फील्ड जो है आज के डेट में 3.5 साल हो गए। अच्छा, इसमें से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए, कौन सा पौधा कितना समय लेता है, ये भी आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, है ना। ये लाठी बांस लग रहा है? ये नहीं, ये वही लाठी वाला नहीं है, कटंगा है। बिना इनके बताया पहचानो कौन सा बांस है? हम आप जितनी देर से देख रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या ट्रेनिंग ले रहे हैं, कौन सा बांस है ये तो बताएंगे भी हम, और आप बताएं पहले कौन सा बांस है ये। हाँ हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि हम यदि इम्तहान तो दें यार, पढ़ाई पढ़ाई करते रहेंगे। नहीं, ये भी तो बल्कि बालकुआ है, ये बालकुआ ही है, बराबर बाल हुआ में। और तुम्हारा ग्रीन वो जो था थोड़ा सा बनता था उसमें, वो अंदर चीजें दिखाई दे रहा है बाहर से देखने पर। ये कौन सा रहा है? बिल्कुल घर पे इसका पर्पज क्या है? ये भी जैसे होम टाउन वगैरह बनता है ना तो उसमें पिल्लर वगैरह का जो काम लगता है और उसके लिए काम में आता है क्योंकि ये 60-70 फीट हाइट जाता है और मोटाई देता है 4 इंच के लगभग। पानी वगैरह की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, टाइम ज्यादा लेता है। और कुल मिला के मुझे तो भाई अभी बालकुआ से आगे जम नहीं रहा कोई शुरुआत करने के लिए। मुझे आप बोलोगे की क्या लगाना चाहिए? फिर पहली लाइन हमको कम से कम 5-5 फीट अंदर लगानी चाहिए क्योंकि पड़ोसी भी झगड़ा ना हो। फिर लाठी लाठी बात की और ये दिक्कत जाएगी, अपना इनकम चालू होगा वही उसी टाइम इससे दिक्कत जाएगी। तो वो दिक्कत जाएगा तो उसे दिक्कत ना जाए तब जलन होती है आदमी को। ये ब्लैक बाम्बू है ना? हाँ, ब्लैक बाम्बू। हाँ, ये जैसे पतिया होगा उसकी कलर लेना शुरू कर देगा। ये जैसे कटिंग पे आता है ना तो ये पूरा ब्लैक दिखता है। ये भी फर्नीचर पर्पज यूज से हम यूज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा ब्लैक बाम्बू, ब्लैक बाम्बू चाहिए। ये नेचुरल कलर है इसका ब्लैक, जैसे येलो ग्रीन और पहले पहले ग्रीन होगा, बट ग्रीन आएगा जब हो जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा। ये ब्लैक होता है। नहीं, वैसे एक बात जरूर है आपका, एक तो ये है
और एक वो देखा था आपने येलो वाला और एक ग्रीन वाला, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके अगर वो बनाया जाए फर्नीचर तो 100 बनेगा ना वो फर्नीचर के लिए। तीनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, अलग अलग कलर करने को डिजाइन बनाए जरूरत नहीं आपको, उसमें कलर मारने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं उसमें ये हो जाएगा कि उसको भी ले एक जगह एक उसी सीरीज में, तो अगर सीरीज में बनाएंगे हम तो एक ऐसी चीज बन जाएगी कि वो नेचुरल दिखाई देगी, नेचुरली है ना। इसके लिए तो इसके कोई पेंट का पॉलिश का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसमें बम्बू नहीं। खैर अगर मान लो दीमक के लिए ट्रीटमेंट करना है वो लकड़ी का कर दो, वो अलग चीज है, हाँ उसके लिए सुविधा है, लेकिन वैसे मतलब जो उसी में हो जाता है आप ऊपर से पेंट करो वो तो छूटेगा, बट ये तो नहीं छूटेगा। वो जो ट्रीटमेंट होता है ना बता रहे थे, वो ट्रीटमेंट जरूरी है जिससे मतलब इसमें वो ना लगे। ये बांसुरी बांस है, अच्छा इसकी बंसी बनती है, बंसी बनती है, इसकी बनती है, बंसी इसकी बनती है, ये तो बिल्कुल फोला होगा ना, ये फोला है ना। तो बंसी वाले के क्षेत्र से है ना, सेम भाई बंसी से हमको वैसे मोहब्बत है, एक लाठी वाला एक बंसी वाला, चाहे हम कोई लगा में, लेकिन ये दो बांस तो हम लगाएंगे अपने, चाहे बरेली से हम कुछ लें चाहे न लें। ये इसके लिए लगाते हैं होटल्स वगैरह शो के लिए, लाइटिंग। अच्छा मतलब इसकी हट ज्यादा नहीं जाती, ये पत्तों में और इसमें शाइनिंग अच्छी है, तो लाइटिंग्स वगैरह लगाए तो ये अच्छा दिख रहा है। ये कौन सा ये बांस बोले चाइनीज पेंटिंग, अच्छा ये तो बहुत घना हो गया, तो काटने का मतलब पूरा बिरला ही काटना पड़ेगा इसका। और ये वामन बांस जो पूजा वगैरह के लिए यूज होता है वो वाला बांस है ये। अरे ये वही तो है, हाँ समझ गया समझ गया, बुद्धा बांस भी बोल सकते हैं इसको, बुद्धा बांस भी वही तो है। हाँ इसको हाइट इतनी रहती है, हाँ हाइट इतनी रहती है, पूजा पाठ के लिए यूज में होता है। नहीं इसे फर्नीचर के पैर बहुत अच्छे बनेंगे, हाँ वो भी बनते हैं ना फर्नीचर के पैर बनाने के लिए, हर बाम्बू अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज हो सकता है, टेबल वगैरह का नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ एक एक दो दो बिल्डर सारे के लगा लो, वो तो फिर अपने पास एरिया कितना है ये देखना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो ये एरिया कितना है। अब देखिए ये इतनी बड़ी है ना, इसके बाद से ये बढ़ेगी नहीं, बस वहीं खत्म हो जाती है, वहीं खत्म हो जाती है, जैसे लास्ट में जाकर केला खत्म हो जाता है ना वहीं जाके ऐसे इसका हिसाब अपनी उसके बाद ये जब खत्म हो जाता। और सोचिए प्रकृति ने क्या क्या चीज नहीं बनाया है, सबसे बड़ा बाजीगर और कारीगर है कौन, बनाया तो है प्रकृति ने, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो तो हम लोग तो बिगाड़ने पे तुले हैं, और अगर नहीं संभले तो आने वाला समय में वो खुद संभाल देगा, हिसाब ले लेगा, हाँ पूरे हिसाब करेगा। नहीं हिसाब तो शुरू हो गया लेना, हिसाब तो शुरू हो गया लेना, लेगा नहीं ले रहा है ये भी, ये ग्रीन वाला करेगा, ग्रीन। चलिए।